अगेन वेलकम बैक बायजूम ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म और डॉक्टर पूनम के साथ क्लास प्लस टू का नेक्स्ट टॉपिक है और इस टॉपिक के अंदर इस वीडियो के अंदर हम ओनली एंड ओनली डिस्कस करेंगे टेस्टिस को. व्हाट्स द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, व्हाट्स द लोकेशन ऑफ टेस्टिस, व्हाट्स द साइज पैरामीटर डायमीटर ऑफ द टेस्टिस एंड द वर्किंग ऑफ टेस्टिस, क्लियर, एंड द वेरियस पार्ट्स ऑफ द टेस्टिस. इस वीडियो के अंदर हम टेस्टिस के अराउंड सारा का सारा स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, क्लियर. इससे पहले जो वीडियो थी उसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है अबाउट द ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ग्लैंड को डिस्कस किया हुआ है. इसमें हम सिर्फ और सिर्फ टेस्टिस को पढ़ने वाले हैं. वी ऑलरेडी डिस्कस दैट द टेस्टिस आर लोकेटेड इन द सैक्रोटम, ए पाउच लाइक स्ट्रक्चर दैट इज प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी टू रिड्यूस द बॉडी temperature up to 2 to 3 degree because the working of testis is much efficient at that particular temperature, that is 2 to 3 degree celsius from the body temperature. Okay, so aisa kaun sa product hai jo body ke temperature se kam temperature pe banta hai, wo bhi hum isme discuss karenge. And what is the composition of the semen that is produced by the testis, वो भी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, क्लियर बेटा. तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, उसमें हम सभी के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं रिलेटेड टू द टेस्टिस, क्लियर. ओके, वी ऑलरेडी डिस्कस दैट द टेस्टिस आर प्रेजेंट इन सैक्रोटम एंड सैक्रोटम कंटेन ए सिंगल टेस्टिस एंड दिस टेस्टिस इज अटैच विद सैक्रोटम बाय ए connective tissue and that is known as governiculum. हमने इसको governiculum बोला था. And testis is lined by epididymis. और epididymis से वास differentia निकलती है और वो किधर की तरफ जाती है? Urinary bladder की तरफ. और urinary bladder के पास यहाँ पे seminal vesicle से prostate gland, bulbourethral gland से होते हुए penis के through semen को बाहर निकाल दिया जाता है. It's clear? अब हम इसको क्या करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, अब हम इसका सेक्शन काट के देखने वाले हैं कि जब हम सैक्रोटम के अंदर टेस्टिस का सेक्शन काट रहे हैं, सो व्हाट इज द रियल एनाटॉमिकल या हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ दिस टेस्टिस, क्लियर. तो ये वाला डिस्कस करेंगे, क्लियर बेटा. तो ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, ये टेस्टिस का है जब हमने लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ द टेस्टिस को कट किया है. सो दिस डायग्राम इज द लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ द टेस्टिस. So usually observe that this is the testis and testis is covered by epididymis called duct. Okay. So first of all, you already much aware about that. We already discussed the testis is the primary sexual organ. Primary sexual organ in human male and it is a type of gonad that help in production of sperm or spermatozoa. And the release of sperm is in form of fluid and that is semen. Clear? So how this functioning is take place we are discussing in this video. Okay. So जब हम किसी testis का structure longitudinal section काट करके देखते हैं, तो we already seen the various types of the structure. Now we are discussing the parts of the testis जो आपको इस video के अंदर मिलने वाले हैं. तो testis के अंदर आपको दो चीजें यहां पे देखने को मिलेंगी. पहला मिलेंगे इसमें लेयर या कवरिंग ऑफ टेस्टिस आउटर मोस्ट, उसके बाद में आप पढ़ोगे यहां पे टेस्टिकुलर लॉब्यूल की स्ट्रक्चर, और टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर आप पढ़ेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की स्ट्रक्चर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, क्लियर. पहले हम पढ़ते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लेयर ऑफ द टेस्टिस. सो सारा इसमें आपको कवर होगा. अब हम इसको देखते हैं, जब हमने टेस्टिस को सेक्शन काट के देखा है, लगभग जो टेस्टिस होती है उसकी जो लेंथ होती है वो 4 to 5 सेंटीमीटर इन लेंथ होती है. ये लेंथ है. और अगर इसका विड्थ देखें हम तो 2 to 3 सेंटीमीटर टेस्टिस की विड्थ होती है. यू ऑलरेडी अवेयर कि जो टेस्टिस है वो एक मेल फिटस के अंदर ऑलरेडी पहले कहां डेवलप करती है? एब्डोमेन में. एंड यू ऑल्सो नोन बिकॉज वी आर यूसिलोमिक. यूसिलोमिक मीन्स वी हैविंग ए ट्रू
मेसोडर्मल इन ओरिजिन पेरिटोनियल लेयर इन द एब्डोमेन। हमारे एब्डोमेन का हर एक ऑर्गन जो है वो एक मेसोडर्म से ड्राइव्ड पेरिटोनियम से कवर्ड होती है। इसका मतलब एब्डोमेन का हर एक पार्ट पेरिटोनियम से कवर्ड होता है। एब्डोमेन का हर एक पार्ट पेरिटोनियम से कवर्ड होता है, तो ऑब्वियसली वो टेस्टिस के ऊपर भी प्रेजेंट होगी उस टाइम, चाहे वो टेस्टिस की बात हो चाहे वो ओवरी की बात हो। तो ये जो पेरिटोनियम है, ये पेरिटोनियम जब टेस्टिस ओवरी एब्डोमेन में होती तब भी वहां प्रेजेंट होती है, और इंग्विनल कैनाल से वो पेरिटोनियम भी टेस्टिस से अटैच रहती है, जिसको हम बोलते हैं मेसोर्कियम। मेसोर्कियम इज द पेरिटोनियल पार्ट दैट इज सराउंडेड द टेस्टिस, एंड मेसोवेरियम इज द पेरिटोनियल लेयर दैट सराउंड द ओवरी, ओवेरियन ओवरी से मेसोर्कियम फॉर द टेस्टिस। क्लियर? इसका मतलब टेस्टिस को अगर हम काट के देखें, सबसे पहले हमें आउटर मोस्ट में लेयर में सबसे पहले क्या मिलती है, हमें एक पेरिटोनियल लेयर मिलती है जिसको हमने बोला है दैट इज अ मेसोर्कियम। अब उसके अंदर और क्या क्या लेयर हमें मिलने वाली है, जैसे हमने टेस्टिस का स्ट्रक्चर काटा तो वी ऑलरेडी ऑब्जर्व द थ्री मोर लेयर ऑफ द टेस्टिस, एंड दीज आर द एनाटॉमिकल लेयर, एंड दिस इज द फर्स्ट इज द ट्यूनिका, ये मैंने यहां पे दिखाई हुई है, पहले ट्यूनिका वेजिनालिस, फिर ट्यूनिका एल्बुजिनिया, फिर वास्कुलोसा। ट्यूनिका वेजिनालिस आउटर मोस्ट होगी, उसके नीचे होती है ट्यूनिका वास्कुलोसा, ठीक है, और सबसे पहले होगी वास्कुलोसा से एल्बुजिनिया, एल्बुजिनिया, और फिर बिल्कुल अंदर होती है ट्यूनिका वास्कुलोसा, ठीक है। ट्यूनिका वेजिनालिस जो है आउटर मोस्ट होती है, जस्ट प्रेजेंट होती है पेरिटोनियम के अटैच में, आप ये कह सकते हैं सेक्रोटम से हम टेस्टिस की तरफ जा रहे हैं तो सबसे पहले लेयर हमें वेजिनालिस मिलती है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है जस्ट एज ए बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो होती है वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की होती है, और ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो है वो अटैचमेंट एंड फ्लेक्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करता है टेस्टिस ड्यूरिंग द एक्सपेंडेशन एंड द रिलैक्सेशन, ओके। वास्कुलोसा में होती है ह्यूज अमाउंट ऑफ द ब्लड वेसल्स, इसके अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होने की वजह से इट इज रिचली सप्लाइड विद द ब्लड दैट इज हैविंग द न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन फॉर द वर्किंग पार्ट ऑफ द टेस्टिस। क्लियर? तो ये थी आपके कवरिंग किसकी, टेस्टिस की। सबसे बाहर है पेरिटोनियम, सेक्रोटम के जस्ट नीचे पेरिटोनियल लेयर है मेसोर्कियम, उसके बाद में ट्यूनिका वेजिनालिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका वास्कुलोसा। तो ये आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, ये बाहर वाली है ट्यूनिका वेजिनालिस, फिर है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और फिर अंदर अंडर मोस्ट क्योंकि ब्लड वेसल्स अंदर की साइड है तो वास्कुलोसा बिल्कुल अंदर की तरफ है। फिर हमें टेस्टिस के अंदर क्या देखते हैं, हमें देखते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल, ये वाले जो ब्लैक ब्लैक डॉट है दिस आर द टेस्टिकुलर लोब्यूल, और जो एक टेस्टिस है उसमें मैक्सिमम 250 टू 280 टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल 250 से 280 एक टेस्टिस के अंदर, और ये टेस्टिकुलर लोब्यूल आपस में सेपरेट होते हैं गैप से, और उन गैप को हम बोलते हैं सेप्टा। तो द सेप्टा ऑफ टेस्टिस हेल्प टू सेपरेट द टेस्टिकुलर लोब्यूल विद ईच अदर। क्लियर? अब हम चलते हैं कि टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर हमें क्या मिलता है। तो जब हम एक टेस्टिकुलर लोब्यूल को देखते हैं तो टेस्टिकुलर लोब्यूल हैविंग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, मान लीजिए ये टेस्टिकुलर लोब्यूल है और इस टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर हमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मिलते हैं, एंड ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल हैविंग 2 to 3 टेस्टिकुलर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इन दिस वे, और ऐसे ही नेक्स्ट टेस्टिकुलर लोब्यूल होगा तो उसमें भी ऐसे ही क्या होंगी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इसमें कंफ्यूज मत होना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इस तरह के दो नाम है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल एक ग्लैंड है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एक कॉइल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो किसमें प्रेजेंट होता है टेस्टिकुलर
लोब्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल रियल में क्या है, एक ऐसा एरिया है जहां पे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल्स वहां पे स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। ओके सो ये जो टेस्ट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है इनसे जो बहुत सारे जो डक्ट निकलती है ये डक्ट एक नेटवर्क बना लेती है बाहर की साइड और उनके नेटवर्क को हम बोलते हैं रेटी टेस्टिस। तो अब जो हम थर्ड पार्ट आए हैं टेस्टिस पे वो आए हैं डक्ट्स ऑफ द टेस्टिस पे। तो टेस्टिस में कौन कौन सी डक्ट्स हमें मिलती हैं, टेस्टिस के अंदर एट द प्रेजेंट जो हमें डक्ट दिख रही है वो कौन कौन सी है, पहली है रेटी टेस्टिस यूनाइट होकर के क्या बना देती है, वास इफरेंशिया। ठीक है, यू रियली ऑब्जर्व कि ये टेस्टिकुलर लॉब्यूल है, टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर क्या है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो डक्ट निकल रही है ये आगे वाले पार्ट के अंदर जो इसका कोर्टेक्स पार्ट है उसमें जाकर के रेटी टेस्टिस बना देती है। ठीक है, और रेटी टेस्टिस का नेटवर्क मिलकर के रेटी टेस्टिस कितनी होंगी, हर एक जो आपके टेस्टिकुलर लोब्यूल है उसकी एक रेटी टेस्टिस होगी और इनके यूनियन से 10-12 वास डिफरेंशिया बन जाती है और ये वास डिफरेंशिया फिर यूनाइट होकर के एक हाईली कोल्ड डक्ट लाइक स्ट्रक्चर बना देती है और उस हाईली डक्ट लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एपिडिडिमिस। क्लियर, जो एपिडिडिमिस है वो खुद एक डक्ट लाइक स्ट्रक्चर होती है जो रियल में एक ऐसे स्टोर हाउस भी बोल देते हैं स्पर्म्स का। तो इसकी लेंथ, इसकी जो लोकेशन होती है वो टेस्टिस के ऊपर से लेके नीचे तक प्रेजेंट होती है और इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, जहां से वास इफरेंशिया एंटर करती है वो होता है कैपेट पार्ट और फिर अंदर और भी कॉइलिंग बढ़ जाती है उसको कॉर्पस पार्ट बोलते हैं और बिल्कुल नीचे वाला जहां कॉइलिंग कम हो जाती है उसको हम कॉडा पार्ट बोलते हैं। कैपेट, कॉर्पस, कॉडा आर द थ्री पार्ट्स ऑफ द एपिडिडिमिस। ठीक है, तो एपिडिडिमिस जो है उसका काम क्या होता है, क्योंकि जो स्पर्म्स हैं उनके बनने में लगभग 63-65 डेज लग जाते हैं लेकिन ये कंटिन्यू प्रोसेस है, लेकिन फॉर दैट ये जो स्टोर करना है, मैच्यूरेशन करना है स्पर्म्स का, ये किसका होता है, ये एपिडिडिमिस का काम होता है। एपिडिडिमिस रेगुलरली इनको स्टोर करती है और उनके मैच्यूरेशन में भी हेल्प करती है। मैच्यूरेशन सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि हर कोई कर सकता है, मैच्यूरेशन इज ऑल्सो डन बाय सेमिनल वेसिकल ऑल्सो, फ्यू वर्किंग इज ऑल्सो द प्रोस्टेट ग्लैंड एज वेल एज द बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सीमेन। लेकिन स्टोरेज एंड मैच्यूरेशन में जो मेन पार्ट है वो किसका है, स्टोरेज में इट इज ऑफ एपिडिडिमिस। क्लियर, तो एपिडिडिमिस में से जो स्पर्म्स है वो रिलीज होते हैं और कहां जाते हैं, दे गोज टू द सेमिनल वेसिकल बाय द हेल्प ऑफ वास डिफरेंशिया। तो वास डिफरेंशिया ऊपर जाती है और सेमिनल वेसिकल के साथ जुड़ के एजैकुलेटरी डक्ट की हेल्प से उसमें से सीमन बनाने में हेल्प करती है। क्लियर, अब हम इस स्ट्रक्चर को ऐसे सेक्शन काट के देख रहे हैं कि रियल में ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल है ये टेस्टिकुलर लोब्यूल कैसे दिखते हैं। जब हमने इसका ऐसे सेक्शन काट करके आपको ऐसे दिखाया तो हमने देखा कि टेस्टिकुलर लोब्यूल जो है वो गोल गोल स्ट्रक्चर होती है और उनके अंदर हमें मिलते हैं हाईली कोल्ड स्ट्रक्चर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो ये जो स्ट्रक्चर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की दिख रही है आपको, अब हम इसमें देख रहे हैं कि इसमें हमें कौन कौन सी अलग अलग तरह की सेल्स मिलती हैं। तो जब हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर देखा तो वी रियली ऑब्जर्व द थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल। फर्स्ट इज द आउटर मोस्ट जो इंटरस्टीशियल स्पेस में प्रेजेंट होती, दैट आर द लीडिंग सेल्स और इंटरस्टीशियल सेल्स, या इसको एंडोक्राइन सेल्स भी हम बोलते हैं, एंडोक्राइन सेल्स। दूसरी टाइप की जो सेल मिलती है जो अंदर मिलती है आउटर मोस्ट में है, जो खाली स्पेस में, वो लीडिंग सेल्स मिलती है या इंटरस्टीशियल सेल मिलती है, या जिसका नाम एंडोक्राइन सेल्स होती है क्योंकि ये एंडोक्राइन हॉर्मोन रिलीज करती है, दैट इज एस्ट्रोजन। ओके, दूसरा जो है इसके आउटर स्पेस में हमें क्या मिलेगा, कनेक्टिव टिश्यू मिलता है जो आपस में कनेक्शन फ्लो एंड द ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है मटेरियल। इसके अलावा हमें ब्लड वेसल्स मिलती है, पर ध्यान दीजिएगा ब्लड वेसल्स जो है वो अंदर नहीं होती सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के, वो बाहर ही प्रेजेंट होती है और बाहर से ही मटेरियल जो होता है स्पेसिफिक रिसेप्टर्स की हेल्प से अंदर ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं और वो जो रिसेप्टर होते हैं वो गाइड कौन करते हैं, सर्टोली सेल्स करती है। सर्टोली सेल्स की ही
परमिशन से कोई भी रिसेप्टर कोई भी कंटेंट जो है वो सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर एंटर करता है। तो फर्स्ट टाइप की जो सेल देखिए जो इनके बीच में फंसी हुई थी लीडिंग सेल्स। दूसरी जो सेल्स होती है वो होती है बड़ी बड़ी सर्टोली सेल्स, नर्व सेल या सस्टेंटिकुलर सेल्स बोलते हैं, जो हेल्प करते हैं मैच्योरेशन में, जो एक एज ए नर्स की तरह काम करते हैं, जो मैच्योर करती हैं उनको, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं और उनकी देखरेख करती हैं। और थर्ड टाइप की जो सेल्स होती हैं वो होती है स्पर्मेटोगोनियल सेल्स, जो स्पर्मेटोजोआ के बनाने में हेल्प करती हैं। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे आपको लीडिंग सेल्स दिख रही हैं, ब्लड वेसल सर्टोली सेल्स दिख रही हैं, और ये जो है ये कौन सा है, जर्मिनल एपिथेलियम है। दिस इज द जर्मिनल एपिथेलियम, जिससे क्या बनने वाला है, स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, अब हम इसकी स्ट्रक्चर को डिटेल में देख रहे हैं कि इसके अंदर रियल में कैसे मैच्यूरेशन होता है। तो अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को देखें तो ये आउटर मोस्ट में गोल क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे लीडिंग सेल्स बाहर रह गई हैं क्योंकि वो कैसी थी, इंटरस्टीशियल सेल्स थी। अब ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये है, इट इज ऑफ सर्टोली सेल्स। ओके, और सर्टोली सेल्स जो क्या करती, इट हेल्प इन मैच्यूरेशन, इट हेल्प इन रिसीविंग द न्यूट्रिएंट, इट हेल्प इन गार्डिंग द इनकमिंग न्यूट्रिएंट। ओके, और इसके अलावा ये बाहर है ये वाला, ये सारा का सारा जर्मिनल एपिथेलियम है। अब हम इसमें ये देख रहे हैं कि जर्मिनल एपिथेलियम में कैसे मैच्यूरेशन होती है। तो जर्मिनल एपिथेलियम जो है, जब इसको सर्टोली सेल का फंक्शन क्या है पहले हम ये देखते हैं। सर्टोली सेल एक हार्मोन रिलीज करती है, एक बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज करती है, जिसको बोलते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। क्योंकि प्रोटीन इससे रिलीज होता है तो इसी की वजह से क्या होता है, लीडिंग सेल से रिलीज हुआ, लीडिंग सेल क्या रिलीज करती है, लीडिंग सेल रिलीज ए टाइप ऑफ एंड्रोजन, एंड दैट एंड्रोजन इज एस्ट्रोजन। हमारी बॉडी के अंदर जो एंड्रोजन, एक टाइप का एंड्रोजन लीडिंग सेल से रिलीज होता है, जिसको एस्ट्रोजन बोलते हैं। और ये एस्ट्रोजन अगर सर्टोली सेल जाने तो ही अंदर आता है, तो ही स्पर्मेटोजोआ डेवलप होते हैं। तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो है बाहर से रिलीज हुए एंड्रोजन के साथ बाइंड करके उसको यहाँ पे अंदर बुलाता है। The Sertoli cell androgen binding protein and these help in binding of the androgen and help to transport to the inner side. The Sertoli cell help in entry of the androgen या estrogen first. दूसरा क्या होता है, Sertoli cell के अंदर बहुत सारी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन चलते हैं, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट बनते हैं, जिसकी वजह से जो फूड है डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ को वो मिलता है। नेक्स्ट, जो जर्मिनल एपिथेलियम है, जब इनको ऑर्डर मिलता है, जब इनको एस्ट्रोजन का सिग्नल मिलता है, तब ये स्टार्ट करती है डिवीजन। तो जर्मिनल एपिथेलियम पहले माइटोटिकली डिवाइड करती है, क्योंकि इसमें अनलिमिटेड नहीं है, लेकिन जो स्पर्म्स हैं वो बनते कैसे हैं, अनलिमिटेड बनते हैं। ओके, उनका जो काउंटडाउन होता है वो मिलियन में होता है। तो सबसे पहले जर्मिनल एपिथेलियम को अपना नंबर मेंटेन करना होता है, ये सबसे पहले माइटोटिकली डिवाइड करते हैं। उसके बाद में इनके अंदर क्या होता है, मियोसिस होती है। तो जर्मिनल एपिथेलियम जब माइटोटिकली डिवाइड करेगा तो पहले बनता है स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनियम से फिर ये मैच्योर होते हैं, बड़े साइज के होते हैं, इसको बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फिर मियोसिस होती है, उसके बाद में बनते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनने के बाद में वो अपनी शेप चेंज करते हैं और शेप चेंज करना स्टार्ट करते हैं। तो जब वो स्टार्ट कर रहे हैं उसकी पहले वाली स्टेज को बोलते हैं स्पर्मेटिड्स, और स्पर्मेटिड अब कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, स्पर्मेटोजोआ में, बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मिएशन। इट इज द कन्वर्जन ऑफ द राउंड स्पर्मेटिड इनटू द मूविंग स्ट्रक्चर, दैट इज द स्पर्मेटोजोआ। क्लियर भाई? तो सारा का सारा जो मैच्योरेशन ऑफ द स्पर्म है वो कहां हो रहा है, इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बाय द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल लीडिंग सेल ऑल्सो। तो लीडिंग सेल ऑर्डर दे रही है, सर्टोली सेल उस ऑर्डर को रिसीव कर रही है, उस ऑर्डर को मान कौन रहा है, जर्मिनल एपिथेलियम। क्लियर भाई? तो आई थिंक टेस्टिस के अंदर मैंने ओवरव्यू आपको दिया है कि कैसे कैसे स्पर्म्स का मैच्यूरेशन होता है। अब उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम रियल में डिटेल में देखेंगे कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ द ग्लैंड दैट हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ द सीमेन। तब तक इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा बेटा, नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। थैंक यू।